रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू लॉकअप। इस हफ्ते 6 लोगों पे लगी थी चार्जशीट, जिसमें से पूनम को बचाया जनता ने और अपने सीक्रेट का बलिदान देके शायशा को बचाया तहसीन ने और खुद लॉकअप से लॉकआउट हो गए। अब बचे हैं शिवम, करण और पायल। कल आपने देखा तीनों कल एक साथ कैसे टूट पड़े अपने आप को बचाने के लिए। रिजल्ट है मेरे पास, मगर इनको इतनी आसानी से नहीं बताया। अब बताऊंगी कि पहला बजर किसने दबाया। लेकिन रिजल्ट बताने से पहले जो इन्हें मैंने तड़पता हुआ छोड़ा था, अब देखते हैं कि क्या हाल हुआ। Hats off girl. अभी तो देखना उसका मैं रहना कितना मुश्किल करती हूँ। ये मुनव्वर फारूकी ये जो ड्रामा करता है ना मेरे सामने, जोकर बनने का, इधर उधर घूमने का, हंसाने का, ठीक है साइड में कर। She made a proper video and she put it against me. 12,000 views. मेरे को क्यों बॉदर करेगी तू? Who are you? तेरे को वो वीडियो पे एक साल में 12,000 व्यू आए, 12,000 व्यू। तू रेलेवेंट नहीं है, तेरे को कोई सुनना नहीं चाहता। 12,000 व्यूज भी, वो नाम तूने लिखा था ना मुनव्वर फारूकी थंबनेल में, तब आए। हर चीज पे पायल का नाम लेना, हर चीज पे पायल का नाम लेना, इधर और जाके ले। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं, he thinks he's too good. Yeah. No, if at all I stay, he's had it. You don't run the मैंने show. बोला ही and नहीं है। don't ever, ever play the humanitarian card with me. You were in jail because you deserved to be in the jail. This. Because you, Shashi came and told me you deserved to be in the jail. Don't yes, say all I will this. Say it. I will say it. आपको victim card खेलना है कि video edited था, ये आपका game plan है। ये जो है ना भोली सूरत बना के आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, आप ये भोली सूरत बना के मुझे बेवकूफ पहले बना गए। But you deserved to be in jail and I'm sorry Kangana, I believed his version and I thought that he was being targeted. Got it? That's the shot. Mic drop. I expected from this guy because he told me he will build the trust. So I do not trust this man. He will flip anybody. He will, you know, throw anybody aside for his benefit. And these kind of guys are hyenas in real world also. They're not even worth high buy. But this is not the right weapon they are using. They are using whatever they are weapon using they want. Very to. Bad weapon. Yeah. दुनिया जलती है ये weapon से. हाँ पर दुनिया जली है ये weapon से ना, दुनिया जल जाती है. हाँ पर ऐसे खत्म हुए बड़े-बड़े ताज खत्म हुए ये weapon से. और कुछ है नहीं इनके पास. और ये तुझे पता है ये इस तरह use कर रहे हैं. और आज आज अभी क्यों तो फट के हाथ में आ गई सबकी. और अचानक से तुम्हारे मुनव्वर से फट गई तुम्हारी कि भाई ये आगे निकल रहा है और हम तो बेवकूफ़ दिख रहे हैं. हम तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, दरवाजे पर खड़े रहकर नाटक करने वाला बोल दिया. सिद्धार्थ वाज हेल्पिंग यस्टरडे, तो मुनव्वर ने बोला कि उसका क्या नौकर बन रहा है सारा का. कब बोला बे तूने? कितनी बड़ी बात हो गई. 1 मिनट, मैंने कब बोला? जब हम बाहर बैठे हुए थे. क्या बोला मैंने? तू क्या नौकर बनने आया है? तू क्या कर रहा है? तू ये कभी एक सेकंड, ये कब हुआ? मैं ये कब हुआ? ये मेरे को जो क्या कर रहा है तू? How can you even defend this? You think this boy will lie? सारा लगी कसम खा के बोल. आज 12 दिन के बाद अचानक मुनव्वर खराब हो गया. मुनव्वर एक झूठा इंसान है, अब पता चल गया. अब कैसे खेलेंगे? क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं लिखा इसलिए. अरे तेरे नाम से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तू है कौन मेरे लिए? तुम खुद मांग रही थी मेरे को वोट. तेरे फैंस को बोल मेरे को वोट करे. इतना गुरूर मत कर तेरे फैंस को बोल. इज्जत वी गिव यू रिस्पेक्ट भाई. वी गिव योर फैंस रिस्पेक्ट. डोंट इतना गुरूर मत कर. मेरे फैंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स है. प्लीज I have explained myself 1,000 times outside. On this matter, I have explained myself 1,000 times. Why are you crying? Some matters are sub judice. I'm not supposed to talk about it. They are talking it so openly.
careful. If the people are watching, I don't mind. But I can't say anything. I believe in the law. I can't say anything. It doesn't mean... बाहर ये लगेगा कि चुप है तो क्या गलत होगा? But I'm not supposed to talk about it. That's why I'm... It's okay. भूल जा. 12 दिन के बाद मुनोर बुरा हो गया. Just because उसने बोल दिया कि मुनोर playing very good. मुनोर doing really good. और तुमको नाटक बोला कि तुम दरवाजे पर खड़े रहे नाटक कर रहे थे. तो तुम्हारे लिए मुनोर इतना बुरा हो गया. कॉमेडी है तू. देख अब मैं बोल सकती हूँ कॉमेडी है तू. कॉमेडी हूँ. मुनोर फारूकी लिविंग कॉमेडी है ना. मुनोर फारूकी लिविंग कॉमेडी है ना. लोग हंसते हैं. आप मुझ पे हंस लो या मुझसे हंस लो. अबे तू मेरे को क्यों बोल रहा है? तुम्हें नहीं बोल रहा. I don't mind. मुझ पे हंस लो या मुझसे हंस लो. I don't want to be part of that conversation. इसलिए वॉक कर गया, नमाज पढ़ा और बैठ गया. Good you did that. मुझे नहीं किसी को कीचड़ उछालना. I can. Believe it. She had so many things I can speak about. She has a past, she has a controversy, she has so many things I can speak about. But मैं नहीं गिर पाऊंगा उस लेवल. शुरू शुरू में सबको लग रहा था कि नाम का लॉकअप है, बाकी के रियलिटी शोज की तरह होगा. लेकिन अब सबको आटे दाल और कॉफी का भाव पता चल रहा है. यहाँ वही होगा जो बाकी कहीं नहीं होता. एक्सपेक्ट ओनली अनएक्सपेक्टेड. असली जजमेंट अभी बाकी है. तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सब हिल गए होंगे. हल्का हल्का. क्यों हल्का लग रहा है आपको? बहुत सारी चीजें थी जो अंदर थी जो बाहर निकल के आई है. इस जो ब्रेक दिया है आपने, बहुत सारी चीजें समझ में भी आई है. सो आई एम फीलिंग गुड इवन गॉड फॉरबिड नॉट. बट अगर मैं निकल भी जाता हूँ तो हल्का होके जाऊंगा. कुछ रंजिशें या कुछ ऐसे यार इसको बोल देना चाहिए था, इसको ये बता देना चाहिए, वो मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा. बोल दिया जिसको जो बोलना. तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ वो होगा जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड है, जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, जो आप लोग प्लान नहीं कर सकते, जो आप लोगों की सोच से बाहर है, हमेशा वही होगा. और ये अत्याचारी खेल अब और भी अत्याचारी होता जाएगा. आप तीनों में से आज एक कोई बाहर जाएगा. उससे पहले हम जो सस्पेंस पे हमने ये एपिसोड एंड किया था पिछला सैटरडे का, उस सस्पेंस पे आते हैं कि सबसे पहला बजर किसने दबाया था. वीडियो एविडेंस को बहुत बार देखा गया, बहुत ध्यान से देखा गया, और उसमें एक माइक्रोसेकंड का फर्क था दो कंटेस्टेंट के बीच में. करण आपका तो बजर बजा ही नहीं था. पता नहीं क्यों बजा. प्ले द वीडियो प्लीज. जो सेफ कैदी हैं उनको क्या लगता है, उन्होंने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि किसका बजर पहले बजा था? शायशा आई थिंक बातों से तो लग रहा है कि पायल का ही पहला बजा था. निशा जी मुझे भी लगता है कि वो टीम को शायद बेटर विजुअल था, तो लगता है कि शायद पायल का. आई गेस पायल जी का, बिकॉज़ वहां पे रेड लाइट जल्दी फ्लैश हुआ था, पहले फ्लैश हुआ था. यहां से ऐसा ध्यान रखो तो सबसे पहला पायल का दिखता है. तो अगर माइक्रोसेकंड का फर्क है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है. बिल्कुल सही कहा, माइक्रोसेकंड का फर्क है और दोनों में से कोई भी हो सकता है. लेकिन बहुत बार एनालाइज करने के बाद में ये बात का एविडेंस मिला कि बजर पहले शिवम का बजा है. शिवम का कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए. पहली बार देख रही हूँ किसी को इतना उतावला होकर अपना डर्टी सीक्रेट दुनिया के साथ शेयर करने के लिए. इस बैड एस जेल में शिवम यू आर अ बैड एस कैंडिडेट. आई होप यू इम्प्रूव योर गेम. यस मैम, यस मैम. अब जोर से खुल के अपने राज दुनिया के साथ शेयर कीजिए. मेरा पुराने घर के सामने एक लाइक डिवोर्सी लेडी भाभी थी, एक मेरी मम्मा की फ्रेंड थी. वो तो गंदा नहीं है बिकॉज शी वाज अ डिवोर्सी. तो आई जस्ट वांटेड टू हेल्प हर इन हर सेक्सुअल लाइफ. तो आई यूज टू गो, मैं पास्ता, वाइट सॉस पास्ता पापा बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मैं उनको पास्ता बना के लेके जाता था उनके घर पे और ठंडा लेके जाता था. एंड यूज टू लाइक वहीं पे सबको स्पेंड गुड टाइम और बस ऐसे ही था. तो तुम्हारी, तुम अपनी मम्मी की फ्रेंड के साथ में गुड टाइम स्पेंड करते थे? गुड टाइम, यस मैम. बहुत पुरानी बात है ये, मतलब जब मैं कॉलेज में था तब की बात है. लाइक 8-9 साल हो गए इस बात को.
शिवम, आपकी सीक्रेट जिस तरह से आपने लिखी है वैसे डिटो पढ़िए। There was a भाभी opposite my old house. She got divorced. So she was my mother's friend. मैं उनके घर पास्ता कुक करके लेके जाता था and bed hot करके वापस आता था। तो मैम इसको मैं कहते प्यार दो प्यार लो, जिंदगी में खुशियां कम है, जिंदगी में गम ही गम है, घर जीना ही है। तो वही सेम वाला प्यार सारा के साथ हुआ है कि वो वाला डिफरेंट है? नहीं मैम, तब बच्चा था ना, तब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ी शरारत करता था। अब मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ी शरारत करता हूँ। बबीता जी, अपनी मम्मा की फ्रेंड के साथ में गुड टाइम करते थे तो आपकी रिएक्शन काफी, मुझे लगा कि काफी आपको सदमा लगा है कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि शिवम के का ऐसा सीक्रेट होगा? बबीता जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए उनकी सोच है, बट मैं उस सोच को मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी और उसको मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए अफकोर्स शॉकिंग था कि मतलब कम से कम हमें उम्र का लिहाज जो होता है, उम्र का लिहाज रखते, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनको क्या मैं कहूँ। देखिए मैम ऐसा होता ना, जब कोई किसी का पति उनके और उसके उनके पति की डेथ हुई थी, प्यार हर कोई करता है जी, ऐसा नहीं कि ये मैं गया, मैं चाहता था, वो भी उनको भी चाहत थी क्योंकि मैं खूबसूरत लड़का हूँ, मुझे ऐसा ही विश्वास है अपने ऊपर और मुझे लगता था कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी। तो ये एक तरफा प्यार नहीं, दो तरफा प्यार है, था प्यार नहीं कह सकते उसको, एक कुछ भी कह लीजिए आप इसको, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ। तो ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि वो मुझे यूज करती होगी, मैं तो बच्चा ही था, वो तो ज्यादा बड़ी, उनका तो उनकी तो औलाद भी थी तो उनको भी तो ध्यान होना चाहिए ना, मैं तो था ही बच्चा 8-9 साल पहले। और उनकी जो औलाद थी वो आपकी उम्र की थी? नहीं बहुत छोटी थी, 4-5 साल का था, 3-4 साल। तो रिसेंटली डिवोर्सी हुई थी तो शी वॉज लाइक इंटरेस्टेड इन मी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। बाकी दुनिया तो 7-125 करोड़ का देश है, 125 करोड़ सोचे हैं दोनों की मर्जी थी, और अगर दोनों ही एक साथ दे वर डूइंग व्हाटएवर दे वर डूइंग, सो हु आर वी टू जज, इट्स हिज सीक्रेट एंड कंप्लीटली हिज चॉइस। और उनकी भी सामने से हामी थी तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग, बाकियों का पता नहीं। लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई शिवम, जैसे मैंने कहा था कि तुम एक बोनाफाइड लुक के हो, और तुमने अगर बोनाफाइड लुक के होके ये काम नहीं किया तो तुमने किया क्या लाइफ में? तो आप आज ये बात की कॉन्फर्मेशन होती है तुम्हारे सीक्रेट से कि जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। मैं तुमसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, इनफैक्ट आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। थैंक यू। तो आप अब सेफ होते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू शिवम, गो टेक योर सीट। थैंक यू मैम। शिवम आप तो हो गए सेफ, करण और पायल आप लोगों की जजमेंट अभी भी बाकी है, लेकिन आप लोग अभी थोड़ा रेस्ट कीजिए, चिल कीजिए, बैठिए, अपनी सीट्स लीजिए। जल्दी ही रिवील किया जाएगा कि कौन बचा और कौन हुआ लॉकआउट। प्लीज टेक योर सीट्स, आई विल बी बैक सून। आई प्रेस द बजर फर्स्ट। That's okay. It's their narrative. It was Payal who pressed it first. Okay, so she could. It was micro. It was like it could be anybody. It could be anybody. Yeah. No, it was me. I know it. It was me first. So kya farak padta hai? Kya farak padta hai? Inka show hai. Who the hell cares? As it is, I was surrounded by liars. Payal, not to worry. Either one. No, I don't care. Either one. I don't care. Tandav to karna hi hai. It's either you or either me. It mattered till it was a fair play, but yeah. If it is not a fair play, you're asking a contestant who's unethical to decide, then it's not required. But I'm happy for Shivam. Thank you, because yeah. I don't have anything against him. Ji. It doesn't matter. Ji. I gave it my heart. My conscience is clear. That's true. I don't care. That's important. I don't care. रात को तकिए पे नींद अच्छी आनी चाहिए। I don't care. Outside I have my world. Sangram is there. My family is there. It's not the end of the world. Inside, you all know how I am. But I'm happy. I just spoke what I had to speak. That was important. That was important. My narrative is my narrative. You don't mess with it. My business is my business. Not your business. तो मम्मी देखेंगी ना, कहेंगी कितना नालायक बेटा ये मेरा। मम्मा तो बोलेंगे बेटा कैसी हरकतें करता है ये। वेट करेगी वो बस इसी सवाल, इसी जवाब को जानने के लिए, कौन सी फ्रेंड थी मेरी बता। ओ, कौन है? तुम कितने किंकी निकले।
ऐसा नहीं मैम, वो डाइवोर्सी वो उनके अब वो पति नहीं थे तो मैंने कहा चलो मेरा ही सोचो मेरी चाहिए। मुझे कंगना पूछती कि आपकी क्या राय है, मैं बोलती टू कंसेंटिंग एडल्ट्स दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, दैट्स व्हाट आई सेड। परफेक्ट, थैंक यू, यू आर नॉट चीटिंग ऑन एनीवन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैंने भी वही बोला व्हेन शी आस्क्ड मी आपको क्या लगता है, जब दोनों लोग ही राजी थे तो हम कौन होते जज करेज टू से दैट, बिकॉज़ मॉम को आपको पता चला होगा आज। मैं सोच रही हूं पुराना घर में कौन थी, बच्चा 6-8 साल है, अब किसका बच्चा 12 साल का हुआ है, पहले तो ये सोच रही होंगी। मुनव्वर जी, सबको परेशान करके रखा है, खुद इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा, सोचने दो। आपको देख के मुझे उसकी याद आती है जो टीवी शो में वैम्प होती है ना, जो सामने कहती है हाँ जी मां जी, हाँ जी मां जी, और पीछे से दूध में जहर मिला के आती है। वो उसकी याद दिलाते हो आप मुझे, एक फ्रूट के लिए यार, फ्रूट के लिए धमकियां। वो रिएक्शन था क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो तीन बार उन्होंने चीज़ बोली कि पूछे भी ना कैसे खाया, फिर उन्होंने कहा रूल तोड़ा, फिर कहा हमने बोला था सारे एप्पल का बनाना, तो मुझे खाने को लेके ये सब चीज़ें करना बहुत बुरा लग रहा था, और उन्होंने मजाक के वे में नहीं कहा तो वो एक रिएक्शन था, तो वो उस वे में वो निकला था। अच्छा, आजकल आप नाम को लेके बड़े वो कर रहे हैं, पूनम को पायल, पायल को पूनम। पूनम इधर बाहर आइए, आप पायल आप भी बाहर आइए, माई डियर सिस्टर्स प्लीज कम आउट, पायल बाहर आ जाइए। तो मुनव्वर आप कंफर्म करेंगे कि कौन कौन है? वो लेफ्ट में पूनम है और राइट में पायल। अच्छा गार्ड्स, इनके लिए दो नेम प्लेट्स लेके आइए। इनको दीजिए पायल को पूनम की और पूनम को पायल की। आप लोग अपने गले में डाल सकते हैं ताकि एक बार के लिए कंफ्यूजन खत्म ही हो जाए। My dear sister. अच्छा तो आप लोगों ने अब जिसका टैग पहना है, पायल आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप तो सबकी मिमिक्री करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस की मैंने देखा है, आपने वीडियोस बनाए हैं जिनमें आप वो प्ले करके वो बनके जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, तो क्या आप पूनम बनके एक परफॉर्मेंस देंगी यहाँ पे, किसी भी तरह का, जैसे जो जैसे भी बात करती है, झगड़ती हैं, जो भी जिस तरह से आप? देखिए कंगना, आई हैड डन दोज परफॉर्मेंसेज व्हेन समथिंग हैड हैपेंड इन द इंडस्ट्री एंड आई वाज वेरी वेरी अपसेट। मैं अपसेट थी कि सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ था एंड आई वाज वेरी एंग्री। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप उस चीज की जो है जस्टिफिकेशन दीजिए। मैं नहीं करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू डू इट, आई एम सॉरी, आई होप आई कैन रिफ्यूज राइट नाउ इफ दैट्स ओके, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट थॉट प्रोसेस। वो एक अलग I'll be a spot. It's a game. Yeah, but it's a game. But I press the buzzer first. So it's unfair that when I press the buzzer first, somebody else is saved because you chose a wrong person to save that. We can show you the video proof. Please show them. We'll show it to you. Because I cannot call shots here. It's your jail. It's you want me to do the mimicry, but I don't want to hurt her because I have just formed a bond with her. I don't want to spoil it. कोई हर्ट नहीं होगा पायल, दिस इज अ गेम, वी आर हेयर टू एंटरटेन एंड टू एंगेज विद ऑडियंस, वी आर नॉट हेयर टू सल्क। आर यू ओके? इट्स योर कॉल। माय डियर सिस्टर, प्लीज अंडरस्टैंड, आई यू नो आई फील दिस बिकॉज यू आर रियली रियली अ गुड गर्ल, यू नो आई हैव दिस थिंग, I feel you. You're a very good human being. I really, really feel it. My God, just everybody in the show, you know, thank you so much. Those gorgeous people out here. It's been so nice, so kind. I just love it. I've never got so much. Mujhe kabhi itna pyar nahi mila. Bang on. Thank you. Thank you. Bang on, Payal. But the tears didn't come. Sorry for that. But she's really nice. I like her. At least she is what she is on her face. I like that about her. Poonam, ab aap Payal banke dikhaiye. Ab aap Payal banke dikhaiye. आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं।
देखो 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 नहीं मेरी बात शट अप, एक सेकेंड मेरी बात सुनो। आपको पता नहीं है मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपको ये ह्यूमन राइट्स है, मुझे सनराइज चाहिए। नहीं एक सेकेंड लेट मी That's what she does. She just wants us to stop. Wait. That's. आप समझ रहे हो? नहीं आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो ना? नहीं. Yeah, that's what. Bang on, bang on, Poonam. Let's shake hands on this. My dear sister. किसने ज़्यादा अच्छी करन? किसने ज़्यादा अच्छी मिमिक्री की? पायल ने. Any day. हाँ मतलब पूनम ने. मतलब पायल मतलब ये हाँ मतलब नकली पूनम ने. आप लोग बैठ जाइए अपनी जगहों पे। थैंक यू मैम। आई विल बी बैक इन अ व्हाइल। ओम नमः शिवाय। फुल पावर। जय संजय। अरे भाई जीफर हम नहीं जाने वाले अभी, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा मैं। क्या बात है सारा खान, तुम्हें और तंग करूंगा मैं। थैंक यू मैम। आई थिंक केवी जाएगा। आई थिंक No, even I think. So because there's only this much you can audience को इतना fake चल जाएगा, इतना fake नहीं चलेगा यार। पायल नहीं जा रही है, 100% पायल नहीं जा रही। सब लोग अपनी जगहों पे वापस आ जाइए। इन पिछले दो हफ्तों में क्या लगता है आप लोगों को क्या क्या बदला है? साशा? पहले तो किचन मिली वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उधर भी चपड़ चुपड़ जहाँ जहाँ जो जो तूने ये नमक गरम मसाला पानी तेल उसमें भी बहुत जोर जोर से चालू हो गया था। बट एट द एंड ऑफ इट मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी ऑरेंज टीम की तरफ पार्शियलिटी भी हो रही है, उनको सब अच्छी 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 चीज़ें मिल रही है और हमारे बस जब हमारी हार होती है तब तो चले हार गए, लेकिन जब हमारी जीत होती है तभी भी हमें कुछ नहीं मिलता और जब वो लोग हारते हैं तभी भी हम ही हारते हैं। तो येस आई एम अ बिट आई होप कि आप कुछ करें कि हमारी सिचुएशन थोड़ी बदले। सारा जी बताइए दो हफ्तों में आपके लिए क्या क्या बदला है? सबका नेचर जो है वो सडनली चेंज लग रहा है। सब पहले बहुत हैप्पी रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, अभी सडनली सब एक दूसरे के लिए कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, सब का रिएक्शंस बहुत जल्दी आने लगे हैं अब पहले की तरह नहीं। बाकी किचन हम लोगों को मिल गया है तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम अच्छे से कट रहा है, अदरवाइज सिर्फ लड़ाइयाँ ही हो रही थी। किचन से थोड़ा हम लोगों के पेट भी अब ठीक रहने लगे, वरना हम लोग सब बहुत सफर करने लगे थे। हम लोग भी जो पेट खराब हो ना साथ वाले सफर करते हैं जो बात पहले हम पहले अब ठीक है। सॉरी आपको कुछ नहीं कह रहा मैं, वैसे अपनी बात कर रहा हूँ। शिवम जी मैम आपके लिए क्या बदला है? मैम मैं जब आया था तब तो मैं बहुत एकदम वो था स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का था, बट अब मैं अगला इस जो अगला हफ्ते आने वाला है इसमें आपको मेरा ग्राफ आपको ये जेल की दीवार पहाड़ता हुआ दिख जाएगा। बस अब ये जो था ये स्पेस को मैं एंड करूंगा, अब आपको जो दिखेगा वो एक नया शिवम दिखेगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तुम्हारा मैंने नोटिस किया है जो तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है किसी भी चीज़ को लेके, जैसे तुम पापड़ चुराना चाहते थे, जैसे तुम जो भी तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन होती है वो अच्छी होती है। यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, है ना? मैं बोल ही रहा था मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड यू शुड गो फॉर इट। ठीक है मैम, डन। और किसी के साथ अपने आप को मतलब यू कांट लिव एज अ ट्विन सोल और समथिंग ऑन द शो। जी यू नो व्हाट आई मीन। तो आप अपनी जिंदगी, अपनी परफॉर्मेंस, अपना गेम किसी और के साथ मिलके ड्यूअलिटी में नहीं खेल सकते हैं। जी आपको किसी के साथ लगाव है, किसी के साथ आप अपनापन महसूस करते हैं, नफरत दुश्मनियाँ ठीक है, लेकिन आप उसके साथ में को एग्जिस्ट होके अगर अपना गेम खेलना चाह रहे हैं उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। जी समझ गए मैम। आप गेम की तरफ ध्यान दीजिए और गेम को खेलिए जिस तरह से खेलनी चाहिए। जी मैम। आप लोगों के लिए शायद कुछ भी बदला लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बदला। जो शुरू में जब हम लॉकअप में आए थे तब राइट ब्लॉक जो है वो बहुत स्ट्रांगली उभर के आया था और अब भी वो स्ट्रांगली ही उभर के आ रहे हैं, और लेफ्ट ब्लॉक हार रहा था और हारता ही जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि राइट ब्लॉक गलतियां नहीं करता है, वो लोग गलतियां करते हैं। जैसे पूनम ने वो गेम ऑलमोस्ट अपना टास्क जीत लिया था, ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो खो दिया। आप लोगों ने किचन जीता और फिर खुद अपने आप खाना बनाने अंदर चले गए, उसमें भी आप लोगों को मात मिली। लेकिन फिर भी जिस तरह से आप लोगों की स्ट्रेंथ है और जिस तरह से पूरे खिलाड़ी भी बटे हुए हैं, मुझे लगता है राइट ब्लॉक जो है वो लेफ्ट ब्लॉक पे भारी पड़ता जा रहा है।
सिद्धार्थ हो तुम यहाँ पे? जी मैम, ये भी हूँ। कि सो तो नहीं गए, क्योंकि तुमने ना बड़े पोजेस दिए हैं और बड़ी मेहनत की है पिछले इन दो हफ्तों में। ओके। पूरा हीरो बन के निकले हो तुम शो में। आप सरकास्टिकली बोल रहे हो? आप देखना चाहोगे? नहीं मैं, मेरे पास प्रूफ है इस बात का, ऐसे थोड़ी बोलूंगी मैं। प्लाज्मा पे दिखाइए। सिद्धार्थ। यस मैम। कितनी मेहनत कर रहे हो यार तुम यहाँ पे आके, गेम क्या खेल रहे हो तुम? तुम्हें कोई टास्क मिलता है तब तुम उठते हो, थोड़ा सा परफॉर्म करते हो, फिर से ये अपने फेवरेट पोज में चले जाते हो। मैम बातें ऐसी होती है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कुछ कुछ, इस वजह से मे बी, क्योंकि छोटी छोटी बातें, मतलब मेरे को लड़ाइयाँ वगैरह नहीं पसंद, तो छोटी छोटी बात पे ऐसे मुद्दे उठा के उनके फिर सामने पेश किया जाता है, तो मेरे को ऐसे तो तुम्हारा करियर रिवाइव नहीं होने वाला। ऐसे तो किसी का करियर दुनिया में रिवाइव नहीं हो सकता यार। मैं कुछ काम करने को जाता तो मुझे बोल दिया जाता है कि यार तू क्यों कर रहा है, तू हमारे साथ तो नहीं कर रहा, तू दूसरों के साथ क्यों कर रहा है? देखो सिद्धार्थ, ये जो जेल है ये अत्याचारी जेल है, और जो सबसे अत्याचारी होगा वही यहाँ का क्वीन या किंग बनेगा। एब्सोल्युटली। और तुम राजा बनोगे या प्रजा बनोगे वो तुम खुद डिसाइड करोगे, समझे? ऐसे ना राजा बनोगे ना प्रजा बनोगे, बोझा बन जाओगे। राइट। अब मैंने बता दिया मेरे हिसाब से क्या क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अब मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आपके अपने ब्लॉक में ऐसा कौन सा वो कैंडिडेट है जो एक बोझ बन के अपनी टीम पे भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका ब्लॉक आगे नहीं बढ़ पा रहा है? लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक दोनों आइए और आके खड़े हो जाइए। गार्ड्स, बोझ ले आइए। सबके पैरों के पास एक एक करके रख दीजिए। तो आप एक एक करके आएंगे और नाम लेंगे उस इंसान का जो आपके अपने ब्लॉक में बोझ है और आपको लगता है कि टीम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आप उसे ये बोझ पहना देंगे। आपको रीजन भी देना होगा कि वो शख्स बोझ क्यों है। शायशा आप शुरू कीजिए। भगवान, I'm gonna give it to निशा। मेरा रीज़न ये है कि कुछ दिनों से ये एवरी मॉर्निंग शी इज़ गेटिंग वेरी हाइपर और स्ट्रेस्ड हो रही है। रीजन्स भी थे, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रीजन्स नहीं थे, लेकिन दिस इज़ द ट्रू टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ एज वेल। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा वो मॉर्निंग में ही इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ नेगेटिव थिंग टू स्टार्ट विथ, इसलिए आई वुड से निशा। सारा। शिवम, क्योंकि ये गुस्सा हो जाते हैं और टास्क के टाइम पे अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा, इनका हाइपर जो होते हैं गुस्से में, तो कभी कभी उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सॉरी। निशा, पहले तो हमारी टीम में 4 ही लोग हैं तो बोझ का तो सवाल ही नहीं उठता। बट आई थिंक आई टेक शिवम्स नेम फॉर द लिटिल फ्लॉज आई हैव सेड बिफोर। आई थिंक जो भी उनका गुस्सा है जिस पर उन्हें थोड़ा सा काबू पाना है। जी, और मैं अपना बोझा देना चाहूँगा निशा जी को क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ना हाइपर एक्टिव हो जाती है जब इनकी इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये सोचती है कि यार इन्हें ऐसे नहीं, इन्हें ऐसे नहीं, इन्हें ऐसे नहीं, ऐसे वैसे होना था। तो मुझे लगता है कि, और किचन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हैं भले कि टास्क में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बोझ हैं। चलिए, लेफ्ट ब्लॉक ने तो बता दिया कि उनकी टीम में कौन बोझ है, हम राइट ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। करण। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, बबीता जी, पायल, पूनम, मुनव्वर, सिद्धार्थ। मैं मानता हूँ अंजलि हमारे एक बोझा है क्योंकि वो ज़्यादातर टास्क में भाग नहीं लेती है, जब डिस्कशंस भी होते हैं वो बैक सीट में ही रहती है। इनफैक्ट मुनव्वर भी मजाक में कहता है कि अगर मेरा मन करे तो मैं अंजलि को वहाँ पे बदल दूँ और साइशा को ले लूँ। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट शी जस्ट ऑलवेज प्लेइंग ऑन द बैक फुट, शी इज़ नॉट, बिकॉज बबीता जी, पायल, पूनम, मुनव्वर, सिद्ध, देर लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ अस। आई थिंक शी इज़ अ लिटल ऑन द बैक सीट, तो ये मैं आपको पहनाना चाहूंगा। थैंक यू, वेलकम। अंजलि, आप अग्री करते हैं कि आप बोझ हैं टीम पे?
मैम ये तो ऑडियंस भी देख रही है और बाकी सब भी देख रहे हैं, मैं कभी भी डिस्कशंस में पीछे नहीं रहती और जब भी मेरा पार्टिसिपेशन का बात आती है मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ। बबीता जी। जी मैं भी अपना अंजलि को दूंगी क्योंकि और सब ने अच्छा पार्टिसिपेट इन्होंने भी किया है, बट जिस तरह से अगर टीम को अगर मैं देखूं तो उन्हें पार्टिसिपेट करके भी उनकी जो अपना एक एफर्ट डालना होता है ना वो एफर्ट मुझे दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए मैं अंजलि को मैं देना चाहूँगी। वेलकम पायल। अंजलि बिकॉज वो दिखाती है कि वो टास्क में हिस्सा लेना चाहती है एंड करना चाहती है, उसको नहीं पता होता उसके बावजूद वो अपने आप को इंसिस्ट करके घुसने का कोशिश करती है एंड उसको फैक्ट समझ नहीं पड़ते, तो शी इज़ एक्चुअली अ भोज। वो किसी के वजह से अलायंस की वजह से यू नो टीम में है, सो अकॉर्डिंग टू मी टीम ऑरेंज की भोज अंजलि है। पूनम। I would like to give this to Payal. No offense, she plays amazing. She's been improving a lot. The only thing I didn't like about her that the other day we won a task, we won coffee, and I just felt that she was trying to divide the team by saying ki hum ladkiyon ke paas hona chahiye, humne jeeta hai. Because my way of seeing is that it's our team. So if agar मेरे पास है या केवी के पास है या मुनव्वर के पास है वो हमारे किसी एक के पास है, दैट्स माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। कैन आई आंसर दिस? यस। कॉफी हमारी टीम ने जीता था, वो टास्क मैंने शुरुआत से एंड तक किया था, फॉर अ चेंज आई हैड पार्टिसिपेटेड एंड आई डिड वेल इन द टास्क। मुझे पता नहीं था कॉफी, मुझे पता नहीं था कॉफी कहाँ पे है, मैंने पूनम जी को खाली पूछा था कि आपको पता है कॉफी कहाँ पे है। देयर वाज दिस गर्ल टॉक थिंग विच वाज इनिशिएटेड थ्रू सर्कमस्टेंसेस जो फुटेज पे दिख जाएंगे, तो बाद में मुझे पता चला कि कॉफी लड़कों के पास हो सकती है बिकॉज पूनम सेड शी डजंट हैव द कॉफी और शी न्यू शी डिड नॉट नो शी डिड नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन। तो फिर बाद में जाके मैंने करण से पूछा तो केवी ने मुझे बोला कि कॉफी उसके ड्रॉअर में है, तो मुझे खाली लगा कि केवी का वो डिस्कशन हो रहा था झोल टास्क पे कि उसको जाना चाहिए था बिकॉज वो टास्क में उन्होंने बहुत मेहनत करी थी एंड उन्होंने वो जाना छोड़ दिया बिकॉज मुनव्वर ने जिद दी थी कि उन्हें जाना है, तो उस टास्क के प्रिटेक्स में मैं बात कर रही थी पूनम के साथ कि जैसे केवी को जाना था झोल टास्क में बिकॉज ही हैड मेड यू नो हार्ड वर्क एंड ही हैड डन द हार्ड वर्क एंड मेड ऑल द एफर्ट इन द टास्क। हमको भी पूनम अगर पायल टास्क जीत गई थी तो फिर ये बोझ कैसे है? मैम ये टास्क सिर्फ उन्होंने नहीं जीता था, ये टास्क हमारी टीम ने जीता था, वो मैंने भी बहुत अच्छे से खेला था, इंक्लूडिंग मेहनत हम सब ने की थी। देखिए अगर हम एक टीम है और अगर आप टीम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, पिछले कुछ दिनों से मैं ये भी देख रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं ये भी देख रही हूँ कि सिद्धार्थ के साथ कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, अंदर ही कुछ ना कुछ हो रहा है। सी हम यहाँ पे एक टीम को मुझे दो टीम में डिवाइड नहीं करना है। I am trying my best to be nice to her and she is an amazing person. I have nothing against her anymore. But yes, if you do this, then I can also do this. Yeah, I'm very good at that, by the way. So, I don't like that. Aap girl gang hai just because we have a lot of women in our group. That doesn't mean that it's a girl gang. There are men also. Can I talk? And the men are putting as much as effort as the women are putting. So, let's not do this. It was actually my thing. Even I started saying that, oh, girl gang, girl. But I said that in a joke manner, no, but we are one Can at I the answer? end. Can I answer please? Yes. Kangana, ye girl gang wali baat Poonam ne chalu kari thi. I just said that. And it is on record. Maine to baat kari. Ha, so let me talk now. Yeah. So maine to baat chalu kari bhi nahi thi. And mera context tha is coffee ke upar jab KV aur Munawwar ki baat ho rahi thi kyunki KV wanted to go for the jhol task and Munawwar ko dekh ke KV ne apna you know jana rok diya. उस टास्क के बाद मैं भी अंदर से भागते हुए आई थी और मैं हंस रही थी कि मैं इतना खुश आई कि मुझे जाना है झोल टास्क एंड आई वाज नॉट नो रिस्पांस वाज गिवन टू मी बाय द टीम। मुनव्वर ने बोला, मैंने हाँ बोल दिया, दे वर वेटिंग फॉर केवी। उस प्रिटेक्स में बात करते करते मैंने बोला, तो फिर पूनम कॉफी वाला टास्क जो था उसमें हम लड़कियों ने मेहनत करी तो फिर कॉफी भी हमारे पास होनी चाहिए। शी इज ट्विस्टिंग माय वर्ड्स एंड ट्राइंग टू बी दिस टू गुडी वुमन व्हिच शी वांट्स टू डू, सो आई एम नॉट वांटिंग टू बी गुड एनी मोर विद हर।
गर्ल गैंग की बात उसने स्टार्ट करी थी बिकॉज ऑफ द होल वोटिंग थिंग दैट हैपेंड, बिकॉज इन दैट वोटिंग थिंग मैंने बोला था दो लीडर है दो चेलियां हैं, सो दैट वॉज बैंग ऑन राइट देयर. एंड उसके बाद देयर वॉज दिस होल रिएक्शन फ्रॉम हर वॉन्टिंग टू फाइट विद मी, एंड आई डिडंट वॉन्ट टू फाइट विद हर. आई पैच्ड अप व्हेन द एसिड अटैक विक्टिम्स केम, उसके बाद कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यस कुछ करेंगे, बट गर्ल गैंग टॉक केम फ्रॉम हर साइड नॉट फ्रॉम माई साइड. पूनम, आपको नहीं लगता है कि आपने जेल में जाते ही अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है? आप एक फॉलोअर बन गई हैं. मुझे लगता है, आपको लगता है ये? कभी कभी लगता है, यस. मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट में बहुत कॉट अप हैं. जब आप अपने सेंस में आती हैं और जब आप जेल में होती हैं तो कहीं ना कहीं एक फॉलोअर का रोल आपने बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, जबकि मुझे लगता है कि आप में बहुत पोटेंशियल है और आप अपने आप में यू कैन कम ऑन योर ओन विदाउट बीइंग अ फॉलोअर. अंजलि. यस मैम, मैं ये पायल जी को देना चाहूँगी बिकॉज ऑफ मैम हमारी टीम जीत भी जाती है बट उसके ऊपर यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि ये मैंने किया है इसने किया है, और ये चीज़ों को बहुत लंबा खींचती हैं. जो चीज़ें एक मिनट के अंदर हो सकती हैं उसके लिए ये 15-20 मिनट ले लेती हैं. सो आई थिंक कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैं इनको बोझ मानती हूँ. मुनव्वर. जैसा केवी भाई ने बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हम लोग टास्क भी जीतते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन हर चीज़ होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है बोझ कौन है बोलना. लेकिन हर टास्क में ना, जैसे मैं केवी भाई और सिद्धार्थ के बीच में कोई भी ऐसा होता है कि और बबीता जी स्ट्रेंथ को लेके टास्क होते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और हम लोग बहुत ईजीली एक नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि चलो तुम दो जाओ. बट यहाँ पे हमेशा ऐसे हो जाता है कि यार पायल को भी जाना होता है, सेम टाइम पूनम को भी जाना होता है, और उसी दौरान कहीं अंजलि थोड़ा पीछे हट जाती है कि ये दो लोग ही आगे. और जब टास्क भी होता है पिछले 2-3 टास्क में, हमें ऑलवेज ये डर रहता है, मैं केवी भाई हम लोग को ये डर हमेशा रहता है कि ये दोनों का झगड़ा कुछ हो जाएगा और टास्क खराब हो जाएगा. और इनके होते ही क्लैशेस, अंजलि के साथ पायल का होता है आर्ग्यूमेंट, केवी के भाई के साथ भी होती है, पूनम के साथ भी उनकी आर्ग्यूमेंट होती है. तो और मैंने ये भी कहा कि जब मैंने पानीपुरी अंदर ऑप्शन छोड़ा कि पायल को मैं भेज सकता था अंदर, बाहर आके टीम में के बहुत लोगों ने कहा कि यार पानीपुरी ले लेना चाहिए था, पायल को वहाँ भेज देना चाहिए था. तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि एक पीस बनाते बनाते, तो मुझे लगता है तीन लोगों में पीस बनाना और एक जो मेन हिस्सा है उसको दिया जाए. सिद्धार्थ. सही बट ये पायल जी को मैं देना चाहूँगा बिकॉज रीज़न बींग कि वो खुद ही मतलब ये बोलती है और टीम कोई रह नहीं गई अभी, मतलब आई बिलीव एंड वो टीम पे बोझ नहीं है, मैं ये बोलूँगा कोई टीम रह नहीं गई है. तो पायल आपको चार लोग बोझ समझते हैं अपने ही ब्लॉक में और अंजलि आपको तीन लोग. ये है राइट ब्लॉक का स्टेटस. और लेफ्ट ब्लॉक में आपने देखा निशा और शिवम दोनों को ही दो दो बोझे मिले हैं. आप अपने बोझ रख दीजिए और अपने अपनी जगहों पे बैठ जाइए. I'll be back. तो बता मुझे, अभी मैंने जो रीजन दिया, मैंने सुन, let me finish. I said, you said text voting में मैं बराबर, तो इसलिए कभी मैं सच ही बोलूंगी ना, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी. तो मैं भी वहां जाके सच ही बोलूंगी ना, मैं क्या झूठ बोलूं वहां जाके. तो वो इशू हो रहा था ना हमारा सुबह सुबह रोज रोज किस किस नहीं ठीक है. मैंने इसलिए शिवम का बोल दिया था, वो बहुत स्पोर्टिंगली लेता है यार, पर ये गलत है, वो नहीं लेता, बट सारा गलत है. या टीम के लिए खेलो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारो? समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ, डोंट बिकम तहसील. सही कह रहा. मैंने कहा कोई हक हक से बोलो. क्यों तीन नहीं, दो बोझ नहीं, मैं चार बोझ लूंगा. हक से बोलो, अपने आप मत दो ना रीजन. वो एग्रेशन तो बस एक ही रीजन है ना, वो तो मुझे खुद को पता है जो इनको लगता है, क्योंकि बार बार बैठे लोग वही बातें करते रहते हैं, मेरे एग्रेसिव हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ. बट यू हैव द राइट टू डिफेंड ऑल्सो. डिफेंड भी तो करना अपने आप को, खाली ले मत. लेता ही रहेगा तो फिर ग्राफ कैसे ऊपर बढ़ेगा, ये कैसे फाड़ेगा तू? और इसका भी ये चुपनी चुपनी बातों में बताना, ये अंजलि की भी नहीं ना, पता नहीं को तो करेगी सुनना सबकी. अपने वो सेव करी चल रही हो कि कमजोर कड़ी वही है ना उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा, तभी तो उसको लगता है कि नॉमिनेशन से बच जाएगी. पूरे दोनों ब्लॉक्स में शी इज द वीकेस्ट बिकॉज़ शी हैज नो गेम. पता मुझे, शी हैज नो गेम. बड़बड़ टास्क में भी नहीं खेलती ठीक रहती, और जब डिस्कशन भी बड़े बड़े होते हैं वो पीछे रहते, भैया मैं देख लूँगी, लेकिन कुछ होती नहीं है. मुझे तो इनफैक्ट इसको बोलना भी था, अगर ये बात नहीं आती तो मैं इसको कल बोलता, भाई तेरा गेम क्या है, वॉट आर यू डूइंग? उसकी एक फॉलोअर बन के रह गई है.
जो वो बोल रहा है तू पटपट वापस वही बोल रही है, समझ रहा है? शक्ल तो ऐसी बना रही है, पता नहीं सब कुछ इसी को पता है, क्योंकि नॉमिनेशन से बचना है ना इसको। वो तो मैं इसकी गेम पहले दिन से समझता हूँ, जिस दिन नॉमिनेशन होता है उस दिन ये मक्खन लगाना शुरू हो जाती है। बट इसलिए वो पूरे पूरे हफ्ते लगाना शुरू कर दिया उसने कि एंड में लोगों को डाउट ही ना हो। डोंट जस्ट टेक इट, से इट, व्हाई? आई ऑल्सो फील दिस, इफ समबडी इज गिविंग मी समथिंग आई ऑल्सो फील दिस एंड दे विल टेक इट, यू हैव अ वेरी गुड, ऑल फोर ऑफ यू हैव अ वेरी गुड बॉन्ड। We will. So say it. You feel something is wrong with me, you say. और ये थोड़ी बोल रहे कि गाली बक्को मुंह पे, गाली थोड़ी बोल रहे हैं। It's not that. And you have been such a nice person. You have been taking all everyone's bullshit for no reason. You have been nice. And this is how he is. I know. Yeah, say but he has to evolve. He has to evolve. मैं तो यही बोल रही थी कि शिवम, you are so positive. You are such a nice person. Apart from even now also you are saying that मेरे नाम में क्यों तेरा नाम ले? वही बोल रही हूँ। Easy करना चाहता है वो सबके लिए। वो इसलिए करता है। मेरे प्यारे कैदियों, जी मैम, तो हमने ये बोझ एक्सरसाइज इसलिए की ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि वाकई में कौन आपके बारे में क्या सोचता है। आंखें खुली कुछ आप लोगों की? बहुत अच्छी तरह से, थैंक यू। पायल और करण, आप वापस अपनी जगहों पे आइए। जी ओके। पायल, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने गलत रूप से आपके साथ चीटिंग की। आपका ये कहना था कि बजर आपने पहले बजाया था, लेकिन मैंने मिसलीड किया सबको और झूठ कहा कि शिवम ने बजाया था। तो इसका अभी हमारे पास वीडियो एविडेंस सामने आ गया है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप पे नहीं बोला। शो द वीडियो एविडेंस। देखो मेरी बत्ती जली सबसे पहले, बूम बम। अरे भाई एक सेकंड, डिड यू सी दैट? माय हैंड रीच फर्स्ट, आई प्रेस्ड इट फॉर यू, सी दैट? अरे हर हाँ हाँ करण, लेकिन आपका बजा नहीं, बजर बजना भी चाहिए था। आप कोई एक्टिविटी करते हैं, उसकी आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, वो भी तो मैटर करता है ना। एक्टिविटी होना इज नॉट इनफ। तो फाइल आपने देखा सही से कि शिवम ऐसा, वैसे मुझे आपको सबूत दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये मेरी अत्याचारी जेल है और ये बात हमने हमेशा से ही कहा है कि यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूँगी, लेकिन फिर भी मेरा मूड किया तो मैंने आपको सबूत दे दिया। हमेशा मुझसे सबूत की कोई एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूँगी और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आज पायल और करण में से कोई एक घर जाने वाला है, लेकिन आज मेरा मूड चेंज हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि इन दोनों में से आज कोई घर नहीं जाएगा। You're hugging me? Yes, I'm hugging you. You're hugging me? Yes, I'm hugging you. लेकिन आप पे ये चार्जशीट बनी रहेगी। चलेगा। आप दोनों अगले हफ्ते की चार्जशीट में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम वैसे भी आने वाले थे कंगना, मैं तो आने वाली थी, लेकिन किस्मत का सिक्का वैसे ही पलटा है जैसे कि असली जिंदगी में पलटता है। राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, पॉलिटिशियंस क्रिमिनल बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह ये दो कैदी जिनके नाम आज चार्जशीट पे थे, जिनमें से एक लॉकआउट होने वाला था, उनका किस्मत का पासा ऐसे पलटा है कि उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। पायल, यस कंगना, आप हमेशा से ही कहती हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ठीक है। करण, आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं और आप भी लीडर हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं आप दोनों को दो टीम्स का लीडर बनाती हूं, एंड आई एम गोइंग टू रिशफल द टीम्स टुडे, That's okay, with pleasure. Would be fun. शायशा, आप खुश होंगे क्या टीम के रिशफल होने से, क्योंकि आपने शो की शुरुआत में मुझे कहा था कि आप बाय डिफॉल्ट, जैसे हम जिंदगी में कहीं लिमिटेशंस के साथ पैदा होते हैं, हमें अपने घर बार, अपनी सराउंडिंग्स, अपने कुछ भी अपीयरेंस हो सकते हैं, कुछ हमें लगता है लिमिटेशंस के साथ पैदा हुए। आपको भी लगता है कि आप लेफ्ट टीम जो है एक टीम लिमिटेशंस के करके बनी है? पहले लगता था लेकिन अब नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा था कि तहसीन की वजह से काफ़ी इश्यूज हो रहे थे,
बट मुझे लगा कि वो चेंजेस अब दिखेंगे, लेकिन अभी आपने वो ही चेंज कर दिया है। बबीता जी, आपको लगता है कि टीम रीशफल होने चाहिए? अगर हम देखें तो बराबर की अगर हमें टीम करनी है तो रीशफल होना चाहिए। अगर हम स्ट्रोंग ही रहना चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी टीम उधर जाए कोई भी अपने स्वार्थ के लिए। या मुनफर, हम लोग वहाँ से जैसे प्लेयर कम हो रहे थे तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबको ऐसा लग रहा था कि अब वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे जो उनकी टीम में जाएंगे, या यहाँ से एक दो इंसान वहाँ चले जाएं, तो डेफिनेटली सबको ये फील हो रहा था कि स्ट्रॉन्ग सबको नहीं रहना, तो रीशफल आई डोंट थिंक बैड आइडिया, रीशफल होना चाहिए। पूनम, आई डेफिनेटली थिंक रीशफल होना चाहिए बिकॉज हमारी टीम में ज़्यादा लोग हैं और ब्लू टीम में कम। अगर हम मुकाबला कर रहे हैं, अगर हम टास्क कर रहे हैं, तो वो टक्कर का होना चाहिए। आई थिंक सो आई थिंक होना चाहिए। करण और पायल, आपको लीडर बनाया जा रहा है आने वाले हफ्ते की दो टीम्स का। पायल जी, आप होंगी लीडर ऑफ राइट ब्लॉक। करण, आप होंगे लीडर ऑफ लेफ्ट ब्लॉक। अब आप दोनों अपनी अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। पायल, आप होंगी लीडर ऑफ राइट ब्लॉक। आप राइट की तरफ आके खड़े हो जाइए। आप सबके सब ऊपर सब की बेंचेस पे जाके बैठ जाइए, पायल और करण को छोड़ के। सबको फिर से दोबारा कपड़े दिए जाएंगे। अभी जो कपड़े पहने उनसे कैरिड अवे मत होइए। दिस इज द ओरिजिन फ्रॉम द बिगिनिंग। आप ये सोच लीजिए कि फिर से टीम्स बन रही हैं राइट और लेफ्ट ब्लॉक की। पायल, लेडीज फर्स्ट, अपनी टीम मेंबर, फर्स्ट टीम मेंबर चूज कीजिए अपने लिए। बबीता। क्यों? मैंने बबीता जी को इसलिए चुना बिकॉज वो एक एथिकल लेडी है। वो खेल खेल रही हैं, हम सब खेल खेल रहे हैं, मगर उनमें एथिक्स है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी टीम जो बने वो एथिक्स के साथ खेले। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, कुछ गेम हम जीतेंगे कुछ गेम हम हारेंगे, मगर मुझे मेरी टीम के अंदर एथिक्स ज़्यादा मायने रखने। एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी हैज़ प्लेड फॉर इंडिया, शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो यस शी इज़ अ वेरी बिग एसेट। करण, मुनव्वर, क्यों? मैं ये मानता हूं कि मुनव्वर और मेरी जब जोड़ी टास्क को लेकर होती है वो बहुत ही कड़क होती है। हम लोग पैशनेटली जीत के लिए ही खेलते हैं। आई लाइक दैट अबाउट हिम, आई लव दैट अबाउट हिम। बाकी जो हो रहा है वो अलग है, बाकी जो मेरा इसका बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो अलग लेवल पर है, वो बाद में टास्क के बात करें। लेकिन जब टास्क आता है हम दोनों में एक बहुत कड़क अंडरस्टैंडिंग है एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन। लेकिन करण, आप ये चीज़ को महसूस करते हैं कि मुनव्वर जीतने के लिए खेल रहा है, आप खेलने के लिए खेल रहे हैं? आज वो बहुत कुछ महसूस हुआ, बट दैट डज नॉट चेंज द मेन क्रक्स ऑफ दिस गेम ऑल्सो। टास्क आते हैं, जीतना जरूरी है। अब मैं सिर्फ टास्क के लिए नहीं, मैं खेल के लिए जीतूंगा। आई वॉन्ट टू विन दिस गेम, बट आई वॉन्ट टू विन द टास्क ऑल्सो। पायल, आपका नेक्स्ट प्लेयर। सिद्धार्थ, क्यों? आई नीड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो बल में भी स्ट्रांग हो, एंड सिद्धार्थ इज इंटेलिजेंट। स्ट्रेंथ उसकी हमको दिखती है बट वो इंटेलिजेंट भी है। आई थिंक ही विल प्ले फॉर द टीम। सो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, माय वर्ड, या बिकॉज यहाँ पे पर्सनल डिफरेंसेस नहीं है, टीम के लिए खेलेंगे। प्ले टू विन। करण, मजा शिवम को इसलिए कि आई थिंक इसे एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। yes. और आई बिलीव आई वुड गिव हिम अ गुड वन। ओके, एंड ही इज वेरी स्ट्रांग, वेरी कैपेबल फाइटर है। ये भी जीतने के लिए खेलता है और मुझे वो बात इसकी भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू बाबा, एंड आई थिंक वी विल मेक अ फिनोमिनल टीम। पायल, शशि, आप शायशा को शैशी क्यों बुलाते हैं? सॉरी, मेरा एक वो वर्ड मेरे मुंह में बैठ गया है, तो शायशा, सॉरी। शायशा, आपको ठीक लगता है आपका नाम गलत बुलाती रहती हैं?
वो गलत नहीं बोलती है, उनको मेरा नाम प्रोनाउंस करने थोड़ा डिफिकल्ट होता है. नहीं नहीं, I just but बैठ गया. ठीक है, as long as साही नहीं बोल रही है, I am okay with it. अब साइशा को चूज करने का रीजन बताइए. शायशा को इसलिए चूज़ किया है बिकॉज लेफ्ट ब्लॉक में काफ़ी टास्क खेले हैं सिंगल हैंडेडली. वो स्ट्रॉन्ग है, वो टॉल है, उनका बिल्ट अच्छा है, एंड शी इज़ राइट, शी वॉन्ट्स टू गो इन देयर. सो आई वुड वॉन्ट समबडी हु वॉन्ट्स टू गो इन देयर. पायल, आपने नोटिस किया कि आपने सब प्लेयर्स पे सिर्फ उनकी वेल बिल्ट और उनके बल, उनकी क्षमता, टास्क को लेकर ही चूज़ कर रही हैं. लेकिन ये जो गेम है, ये 24/7 का गेम है. टास्क तो मात्र क्या आधा घंटा के होते होंगे सब मिला के भी. तो आप जो लोग दूसरी तरह से इमोशनली एंगेज कर सकें, जो लोग चाहे तो माइंड गेम खेल सकें या डिस्ट्रैक्ट कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें, उस तरह के प्लेयर्स पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. ये जो आपको लीडरशिप का मौका मिल रहा है, इसमें आपकी लीडरशिप वन डायमेंशनल है कि मल्टी डायमेंशनल है, ये भी निकल के आएगा. करण आपका अगला प्लेयर. सिस्टर पूनम एक ऐसी आग है जो अभी तक जली नहीं है, और जिस दिन ये जलेगी और बरसेगी, कयामत ढा देगी. दैट्स व्हाई आई लव द टीम दैट वी आर बिल्डिंग, बिकॉज इट हैज स्ट्रेंथ, इट हैज इंटेलिजेंस, इट हैज लव. भले बटा हुआ है. पायल, नेक्स्ट प्लेयर आपका निशा. क्यों आपने निशा के लिए डिसाइड किया? आपने बात करी इमोशनल कोशेंट की, आपने बात करी टास्क के अलावा इंटरेक्शन की. आई थिंक निशा इज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट. उनके बहुत साइड्स हैं, वो बहुत डोमिनेंट भी आती है, मगर वो बहुत क्लियर भी आती है. उनके थॉट्स बहुत क्लियर होते हैं, चाहे क्लेनलीनेस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वॉट एवर इट इज. एज अ पर्सनैलिटी इन अ ब्लॉक, आई थिंक शी इज गोइंग टू कीप एवरीबडी हैप्पी. वी नीड टू बी हैप्पी ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे. उन्होंने इतना दुख सहा है बिकॉज उनकी टीम्स कंटिन्यूसली लूज करी है कुछ टास्क, उसके बावजूद दे हैव हेल्ड देयर ग्राउंड एंड दे हैव फॉर्म्ड अ बॉन्ड विद ईच अदर. वो बहुत एप्रिशिएबल है. And somewhere, I think she's strong in her head to deal with that defeat. So she is strong in her mind. So because of that, मैंने उनको choose किया. Karan. Sara. Karan, आपने सारा को क्यों choose किया? Because मुझे अंजलि को choose नहीं करना था. Okay, not because of anything else, but I had the last two were there. Sara is a very strong point for us in this game. Okay, because मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवम एंड सारा has, you know, इन लोग को दोनों के ना एक जोड़ी बनी हुई. मुझे वो, मैं चाहता हूँ कि दोनों इंडिविजुअली खेले. डोंट गेट इन्वॉल्व इन हिज एंड ही डजंट गेट इन्वॉल्व इन योर्स. सो आई बिलीव आई विल बी द वन टू जस्ट मेक दिस, क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन इनको दूर करने के लिए. सो हर रियल गेम विल कम आउट, यू नो, लाइक व्हाट इट शुड बी. सर, आपको अच्छा लगा करण की टीम में आके? जी, आई विल मिस निशा. अंजलि, माय टू आर मीटिंग्स. आपको कैसा लग रहा है, किसी ने आपको पिक नहीं किया और अब की बार हम बराबरी की टीम्स बनाना चाह रहे हैं, तो शायद आप ऐसा नॉन आइडेंटिफाइड कैंडिडेट बन के रहेंगे जो किसी टीम को बिलोंग नहीं करते हैं. हम दिखा देंगे. इट्स ओके. क्या लगता है आपको, क्यों आपको किसी ने पिक नहीं किया? मैम, बिकॉज अभी जो कॉन्वर्सेशन हुई अभी थोड़ी देर पहले करण से, तो उससे पहले सब ठीक था. अभी उनको मैं बहुत बुरी लगने लग गई हूँ. दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन. और मेरी पायल से बनती नहीं है बिकॉज वो इतना ज़्यादा बोलती हैं, लाउड बोलती हैं. आई कांट. सिर्फ अभी नहीं, मैं एक्चुअली अगर ये बात और आज निकल आई, लेकिन मैं कल भी इसके बारे में सो रहा था. एंड आई स्वेयर I wanted to ask you, what is your game, Anjali? What are you playing? Where are you? Like, what is your story out here? I wanted to tell you yesterday, but I thought that yesterday I could tell you. No, it's okay. I don't want to know. So, don't say because मेरी आज ऐसी हुई थी. Naturally, of course, I would feel yeah. Okay. इन्होंने अभी बोला, ma'am, कि मैं loud बोलती हूँ, shout करती हूँ. पता है ये क्या करती है? A
अभी भी मेरे पास आई कि मैं है ना अपना कॉइन आपकी टोपी में डालूंगी, जब वो जला वो जो वोटिंग वाला हुआ था। मैं इनके साथ कुछ मूवमेंट नहीं करती हूँ, ये मेरी जोन में आती है, मेरे को बोलती है मैं आपके लिए ये करूँगी, आपके लिए वो करूँगी, और फिर उसका विपरीत करके चली जाती है, एंड देन शी वॉन्ट्स मी टू अगेन बिलीव हर नॉनसेंस द नेक्स्ट टाइम। सो आई हैव टोल्ड हर टू ले ऑफ, तो इसमें मैं लाउड कहाँ हो गई? आप मेरी जोन में मत घुसिए, मैं आपको विश्वास ही नहीं करती हूँ आपके ऊपर। आप बार बार चिपक रहे हैं बिकॉज आपको फुटेज चाहिए, आप क्यों चिपक रहे हैं मेरे साथ? मुझे बात ही नहीं करनी है आपके साथ। आपको लगता है कि आपके पास कोई फुटेज के लिए आता है? सो प्लीज अपने वहम दूर करिए। तो मैं लाउड नहीं हूँ, मैं खाली कह रही हूँ प्लीज ले ऑफ, ना मेरे से रबर बैंड मांगो, ना मेरे से काजल मांगो, ना मेरे को बोलो मैं आपकी टोपी में कॉइन डालूंगी, ना मेरे को बोलो कि मुझे योगा सिखाओ। भैया मैं आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, आप अपना गेम बाकी सबके साथ खेलो। अंजलि, अभी शायद आपको लग रहा होगा कि आप किसी टीम में बिलोंग नहीं करती हैं, धीरे आपकी किस्मत आपको रिवील की जाएगी कि आपका क्या पर्पस है जेल में और आप कहाँ बिलोंग करती हैं। मीनवाइल आपके पास ये भी पावर होगी कि आपको कभी भी किसी भी टास्क में किसी भी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, वो आप देखेंगी जब आपको रिवील किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप किसी टीम को बिलोंग नहीं करती हैं, आप यूनियन टेरिटरी समझती हैं वैसी हैं। दोस्ती यारी चलती रहेगी, याद रखो तुम लोग यहाँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाने नहीं आए हो, फाइट टू विन। ऑल द बेस्ट न्यू राइट एंड लेफ्ट ब्लॉक। मुझे लग रहा है ये न्यू शफल, न्यू केमिस्ट्री, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू दुश्मनी, ये सब नेक्स्ट वीक लॉकअप में आग लगा देगी। एक नया तूफान आने वाला है। तूफान आएगा मैम, तूफान आएगा, उसके बारे में जल्दी ही बताएंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीक, डोंट बी गुड, बी बैडएस। बाय बाय, थैंक यू, बाय टीम, वी आर स्टिल इन योर जेल। आई वांटेड टू मेक अ टीम फर्स्ट, ओके, जनरली आई एम टेलिंग यू, आई डिडंट वांट टू चूज हर, आई चूज यू, एंड आल्सो एट द बैक ऑफ द माइंड देयर वाज बिकॉज़ ऑफ दिस इमोशनल टर्मोइल दैट इज गोइंग ऑन बे फिजूल का, वेयर इज द सच में मस्का लगाने बराबर आ जाते हैं। Only in tasks. Okay. Whatever you can do, whatever you want. I'm here to win, and so are you. फिर देखते हैं। तुमको पता है भाई मैं खेलता हूँ टीम के लिए खेलता हूँ। इन तो इनता कुछ होने के बाद इसलिए तो I chose you. Thank you for that. मेरे मुँह से कभी भी नहीं निकल रहा। I'm sorry for that. My God. Oye, boom, bam. Yes. But can I be off? Only cam. Oh, game. Only cam? Only game, game. Cam nikal gaya mujhe. Game. It was just ke dono leader tere against the. They don't wanted you in the team. Bahut kuch toota hai aaj. Every time both of them have said to me, every single time both of them have said both to me. Both is Manuvar. Manuvar and KV. कि अगर कुछ shuffling होती है, तो तू ही इधर आएगी. आज मुझे तीस, they didn't, I was literally the fourth. वो एक तो side में हटा दे. ये एक equation जो मेरा personal equation है. बराबर. Second equation. तुम इस बंदे को गाली दे रहे थे, तुम इस बंदे के साथ मतलब नजर नहीं मिला पा रहे थे अभी मुनावर के साथ। हाँ। हाँ? केवी। हाँ। हाँ। और अभी चुपचाप तुमने उसको ही अपने ग्रुप में ले लिया। He should have chosen you first. He took मुन्ना ना? मतलब गेम तू देख के कैसे है कि they don't give a f- relationships कितने भी खराब हो एक दूसरे में, हमको बस गेम खेलना है, तो अभी मैं भी गेम ही खेलूंगी। एथिक्स मॉरल्स कुछ है ही नहीं, वो तो प्रूव हो ही गया है। But I'm just glad that you are the leader of this group because what was lacking in our group before was leadership, which was rightfully said. Like I am great at taking
direction, you tell me, I will go out there and kill it. Let's just go for it. Lelo, gadde udhar ho. They will not give us. No clarification nahi denge. किसी के ब्लैंकेट गद्दों पे थोड़ी सोएंगे, किसी के यूज किए हुए ब्लैंकेट गद्दों पे थोड़ी सोएंगे। हम हमारे ले ले ना, हाँ, वो ले लो, क्यों वहाँ पर भी नहीं लेते, वहाँ पर कम भी है। Wait for some time. Bro, I'm telling you, it's gonna have a fight. I don't have a fight right now. साथ थे यहाँ पे छह लोग आ रहे हैं। Come on. Wait करेगा, कुछ नहीं होगा। Take it. No, listen, we're not having any fight, Aja. You're pushing me, Kevi. I'm sorry. I'm just telling you to move aside. I didn't hear you saying to move aside. I'm sorry, can you move aside? Why are you doing this? Because we have to move aside. No, I can't move aside. We have to move. Kevi, you're pushing me. I'm not pushing. Kevi, you're pushing me. You put your saman yourself out here. You know the bed is going to be dysfunctional without it, no? Sara, can you call Saisha? Aja, I told you we'll do this bed. Stop! Let's have a stop. You can't be taking it. I'm respectfully saying. We've been sleeping on it. No, I'm not saying. Just coming in the middle. I'm respectfully saying move. You yourself didn't want to move. You didn't want to move. No, I just nudged. I didn't push you. It doesn't work like that. This is a bed that we have won. What did they do? What did they do? He's doing this and he's pushing me. I came here. Haath laga. No, you want this, but now you have. You said they'll announce. They will not announce. So then why are you doing this? You cannot do this. You said they'll announce. No, they will not announce. So then ye kya hai? Hum nahi hai to leke aa gaya. Aap bhi to apna saman lekar gaye ho. Main sirf saman leke ja raha hu. Ye bhi mera saman hai. To kar rahe ho. Siddharth, pick up a bit. You cannot. Pick up a bit. They have lost, they have changed the team. मैंने तुझे क्या बोला था ये लोग करेंगे? सिद्धार्थ तेरे बेड को टच नहीं किया था ये लोग करेंगे। मेरे बेड को हाँ तो we acted on it now. Yeah. Don't touch me. Shashi, pick it up. चलो, leave the bed. Don't touch me. कुछ एथिक्स नहीं, कुछ नहीं, आ जाते हैं सब गेम में गंद करनी है। I'm sorry. Pick it up. बात खत्म हो गई। क्या बोल रही हो निशा? दो सेकंड बाहर गए ही नहीं कि ये लोग करने चालू हो गए। तो इसमें क्या करने चालू किया? क्या तेरा बेड लिया है मैंने? किस बारे में? Have you taken your bed? You took my team members' beds. No, this is not your team members' bed. This is not your team members' bed. You cannot tell me my team members. I will do what I want to do for my team. This is still my bed. So take your bed now. So I took it. Very happy. Happy? Very happy. That's it. Then quiet. Then why are you screaming? Then why are you screaming? Because I want to scream. So go ahead and scream then. I haven't touched any of your things. Because if I left, the mattress is chale gaye hote. Thank God you didn't leave. मेरे को चादर ठीक लग चादर लगे तो दे देना मेरे को ठीक है मैं तकिया लेके जा रहा हूँ बैठने के लिए आए थे बेड के साथ शी केम चार्ज कैसे लेके जा सकते हैं बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी सेड वी थॉट दैट वाज करेक्ट वी वांटेड टू वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग बोले आधे बेड वी हैव वन दैट्स वी वांट टू टेक इट कोई फटाफट नहीं भाग रहा था नोबडी इज स्कैर्ड ऑफ एनीबॉडी ओवर हियर हम सारे नहीं आई एम नॉट सेइंग आई एम फटाफट भागे केवी पुश मी टू सो लेट मी नॉट जस्ट गो इन दैट लूप केवी पुश्ड आई केम बिकॉज़ आई वाज आई जस्ट वांट टू टेक माय स्टफ सिंपल क्लियर केवी पुश्ड बट सो केवी पुश्ड इज ओके केवी एंड योर आपका क्या हो रहा है मुझे नहीं पता ये मेरा बेड है अलग अलग तुम लेफ्ट हो हम राइट नहीं बट वो लेफ्ट वाले चटाई पे सोए अब आपको उन्होंने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया तो अभी आप नई टीम में बनी ना नई टीम में बनी बट ये जो जीता है ये राइट ब्लॉक ने जीता है दिस इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन राइट ब्लॉक तो अभी वो जो पूनम ने ड्रायर जीता है हां तुमने सनलाइट जीती है हां पूनम का ड्रायर तो पर्सनल है सनलाइट तो
कंपाउंड में है, ये तो राइट और लेफ्ट ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, बेड नहीं लेके जा रहे, बट ऊपर की चादर वादर ये सब हम ऊपर की चादर ले जाओ, गद्दा रहने दो, वहाँ पे लोग चिटाई पे सो रहे हैं, वो चिटाई पे आप सो, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट ब्लॉक चिटाई पे सो रहा था। ये लोग हो सकते हैं, ये गंध मैं नहीं हूँ भाई, मुझसे नहीं होगा। I don't want to win this show. I don't want this nonsense. मैं इस हद तक घटिया लेवल पे नहीं जा सकती। तुमको तुम्हारा अत्याचारी खेल जिंदा बाद बाबा, मुझे निकाल दो यहाँ से, मुझे नहीं रहना है। I can't do this. I don't want to become what I became right now. It's just not happening, Sarah. But like, the way he was charging at me and everything, मुझे नहीं करना ये, ऐसे इंसानों के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। I want to be with civilized people who have some humanity left in them. This is not humanity. And if ऐसे shows करा के पैसे कमाने लोगों को, भाई कमाओ, मुझे निकाल दो यहाँ से। I'm sorry, जो भी वहाँ हुआ। It's not me. It's not who I am. In this game is not who I am. I love you. I'm really sorry. मुझे मेरी dignity, मेरी self respect बहुत important है। मैं ये घटिया पे नहीं कर सकती। वो तो मेरे दिल में है। ये team या वो team, मैं सारा को भी वही बोल रही थी। Just put me on the charge sheet, please. No, I can't. I just can't do this nonsense. And there's no other way for me to get out of this show. Like, 30 minutes ago, I'm taking care of you. I'm taking care of how your heart is, how your hand is. And 30 minutes later, I'm shoving and pushing and pulling you. Is this what I want to become? No. You want help? Help with? To take your stuff there. I did already, man. Tu le yaar bed le sab le, mujhe nahi farak padta yaar, kya chahiye sab le tu, tere liye meri bed le tu. You need to make sure that he understands what he has done. Usne kya kiya hai, he needs to understand it. And all the men in the team need to understand that they cannot push women, they cannot get physical, they are physically stronger than women, they cannot do something like this in the name of game. Please sort this out. Sorry for nudging, but don't play this woman card like this. I'm not playing the woman card. She is talking. I am sorry. I told her. I have not seen it. I have not seen it. You said sorry, and you and me had an understanding. After that, you once again came back and you were arguing, and that topic was brought up again. I told you also that why am I justifying? Because again, as a friend, I told you, KB, I feel you, and I just let it go. But then again, you guys are once again coming up and saying you can't shout and you can't. So if you're going to go into that space again, I just came to tell Babita ji that Babita ji, hum fight nahi karna chahte. But KB, you cannot do that. You know that, right? You want to call it a nudge, a push, or whatever. It's not cool. As soon as you even touch me like that, and if I don't like it, you can't do it. So you cannot say a nudge is justified and a push is not, and this is technically a nudge and a push, or whatever it is you want to call it. So you decide. If you're sorry about it, I'm going to let it go. I am of course sorry. उसके बाद आप दोबारा मुझे ये मत बोलना आप लोगों ने ये कैसे किया, आप बीच में आके रुक गए इसलिए मैंने ये किया, because I can go on and on. Sorry about it. Yeah, because it's my trigger point. Shit has happened with me. I don't like men touching me like that. It's quite shitty. Profusely apologize. It's okay. Don't do it again. Yeah. Not even casually or my mistake or, you know, unintentionally. I know, don't do it. I know that. Thanks. Okay, now stop crying, okay? I don't want our team to be like that. Okay, that's it. What's done is done. That's done. Fine. Yeah. I'm okay. I'll be okay. Prove this stupid guy wrong. What I feel about you, I want that back. What I feel, what I told you, that's what you are. Give me that. Seriously, give me that. I'm so sorry, man. I'm so sorry. I'm really, I fuck, man. It's so simple to just see again my decision.
was very calculated, okay? Was very calculated. The only thing I'm feeling bad about is I didn't give you a justified reason, man. And there is no couple. No, there is not. I know what I said also didn't make sense. It was just Jodi, or I want to say Jodi, ye bana raha hai. From your side, I know there is nothing, man. I want you to. I know. You're telling me you felt bad. I felt bad about the reason. Yeah, because I don't want it to just be inside you. Yeah. Like just because you don't want Anjali, so you chose me. I feel bad. I'm better than this. Not just being good. I mean, that was really very bad. It was better than to not to be chosen. You know? You know what I mean? It was very bad. And just because you did want her, you chose me, so. What happened? I hurt her. भाई ब्लू को ऑरेंज बनाएंगे. यस एक्चुअली ब्लू क्या डिजर्व करता है वो ब्लू को ब्लू बनाएंगे. ब्लू को ब्लू बनाएंगे. कलर से फर्क नहीं पड़ता है. इनको बताएंगे कि गेम किसका है. एग्जैक्टली. बुम्बाम बुम्बाम फिफ्थ गियर में जाने का अभी ना जा. कौन खेलेगा? कलर नहीं, प्लेयर खेलेगा. प्लेयर खिलाड़ी खेलेगा. उन लोग को दिखा दे. सब दिन सेम नहीं होते. सब दिन सेम नहीं होते. हार जीत हार जीत हार जीत चलते रहती है. खेलेंगे लड़ेंगे उठेंगे फिर लड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे. दिल नहीं, दिल तो जीतना है. जो अकड़ेगा उसको तोड़ेंगे. और जो अकड़ता है ना उसको तोड़ना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो अकड़ा हुआ है ना. खट खट. नरम को तो दूध में डुबा के, अकड़ा तो तोड़ देंगे. नरम हुआ तो दूध में डुबा के खा जाएंगे. इज्जत देने वाली जात ऊपर बैठी है. हमारे किसके हाथ में कुछ भी नहीं है. उसने भी तो वहाँ पे लिया ना डिसीजन सब छोड़ छाड़ के. मनवर ने केवी ने लिया ना उसको. इतना कुछ हो गया फिर भी गेम का ही सोचा ना उसने. बस तू भी गेम का सोच के खेल. और मैं तुझे बताता हूँ एक मतलब ये मत सोचे कि मैं मैनिपुलेटिव नहीं कोशिश कर रहा हूँ. मैं तुझे बताता हूँ केवी ना फिर भी मैनिपुलेटिव है. मुनावर और वो मैनिपुलेटिव है कि इसको आगे भेज उसको आगे भेज उसको आगे भेज. पायल ऐसी नहीं है. वो बोलती है कि सबको इक्वल चांसेस देते हैं तो परफॉर्म करने का चांस मिलेगा. यार मैंने परफॉर्म किया है. एब्सोल्युटली किया है तो आगे मिलेगा. क्रेडिट किसको मिला है? अब नाम देख. सबसे पहले नाम सॉर्ट आउट कर कौन कौन जीत रहे हैं. जीत रहे जीत रहे नाम देख अपने. उसके बाद ये फूल वाला टास्क हुआ. अबे एक मिनट टास्क भी तो कंप्लीट किया. बात कर लेने का. सुन साइशा साइशा सुन बात कर लेना. बात सुन ले. मुझे देखना नहीं है. बात करना तो दूर की बात है. कर मत. सुन ले. तू और केवी खेल तेरा गेम यार. मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे बात नहीं करनी है ना. देखना है तुम लोगों को. साइशा आई डोंट इवन वांट टू लुक एट यू यार. सुन ले साइशा. मुझे नहीं सुनना है. सुन ले ना साइशा. साइशा स्टॉप. अरे पर ये क्या? मुझे नहीं चाहिए तो क्यों पर ना. सुन ले. स्टॉप. सुन ले. एक मिनट सुन साइशा. एक मिनट सुन. एक बारी बात सुन के फिर चल. बात सुन. एक मिनट बात सुन. एक मिनट बात सुन. एक मिनट बात सुन ले. खाली खींच. इसको कैसा खींचू मैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुन. मुझे नहीं सुनना है. अच्छा सुन तू साइशा. अरे अरे वो क्या ब्रो? तेरा डोंट डू आई डोंट वांट टू. नहीं साइशा एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन. नहीं नहीं कोई बात नहीं. क्या हुआ था?
जो भी बात हुई सब ठीक था फाइन, बट आपने जो वहाँ पे ये चीज़ बोली ना टू डिफेंड योर सेल्फ कि यू आर अग्रीड, मुझे एक बात बता, अगर अगर सपोज मैं तुझे इशारे में कुछ बात करूँ एंड इफ यू अग्री, ओके फॉर एग्जांपल इफ यू अग्री हाउ विल योर रिएक्शन बी? आई जस्ट ओके और हाँ लाइक या व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस से, मैं इसको क्या समझूं, मिस इंटरप्रेट, हाउ कैन आई मिस दिस, दिस मिसलीडिंग, और चलो ठीक है तीन चार दिन बाद समझ के मैं आ गया, अगर समझ में नहीं आ रहा बोल देती ना मुझे, इट्स नॉट वर्किंग और वॉट एवर, इट डजंट टेक 14 days, it doesn't take 14 days, it takes just one or two days to understand what's happening, I don't feel like doing it, and you go ahead. So Sid, I think you should talk to her this way only, that don't let anyone manipulate you. Also, honestly, I told her, I was concerned for her, I told her, log na aap pe sawal uthayenge, jab aap bahar jayenge yahan se, wo ek shaadishuda aadmi hai, theek hai, unki patni hai, unki teen betiyan hai, mujhe nahi pata tha ki Kevi ye sab bhi baat kar sakta hai yaar. आई तो इनवीड है, मैं उनको ना बहुत वो समझता था कि यार ऐसे बंदे जैसे मैं बचपन में देखता था उनके सीरियल्स वगैरह, तो मेरे को लगता था कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना है लाइफ में, मैं ऐसे उनको देखता था, बट जो उन्होंने किया ऐसे कि अंजलि को बोला कि हम दोनों फेक बॉन्ड बनाते हैं, हर एक शो के अंदर एक ना लव एंगल चलता है और ऐसे लोग ज़्यादा टिकते हैं गेम के अंदर, तो वहाँ फिर मेरे को लगा कि यार मतलब बंदे ना मेरे दिल से इज्जत खो दी खुद के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप को ही डाल दिया, वो भी 21 साल की महज लड़की है. सी मेरा बॉन्ड उस टाइम पे जब हमारी फर्स्ट डे बात हुई, ठीक है, दैट टाइम आई हैव नो फ्रेंड्स, कोई भी नहीं था, धीरे धीरे हमारी सबकी बॉन्डिंग बनी, तो मेरे को चीज़ें समझ आने लगी. अंजलि बोल देती यार, कौन सा हम क्या मतलब कोई कैसी कोई गंदी बात भी नहीं कर रहे थे, नथिंग, वी डिडंट इवन नो, देयर वाज नथिंग, नथिंग नथिंग हैपेंड इन दीस 14 डेज, बस सिर्फ एक मुझे बोल देती तो कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल, मतलब केवी ने बोला कि आपकी साइड से होना चाहिए, मैं नहीं कर सकता ये सब गेम, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे से प्यार करती हो, मैं नहीं दिखा सकता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ कि मेरी बी बच्चे हैं, तो ये तो किसी का इस्तेमाल करना होगा ना, कि अगर कल को कोई लड़की आई है यहाँ पे, तो वो तो उनकी भी तो समझ होनी चाहिए, वो करना चाहते हैं नहीं, अगर मेरे को कोई बोले मैं ना बोल देना चाहिए था, वो देखो बचपन से हमको सिखाया जाता है कि एक लड़की को ना कैसे बोलना चाहिए एक लड़के को. बिकॉज यू आर इन अ रियलिटी शो यार, पता है कि सब जगह कैमरे, तो किसी भी कुछ भी थोड़ी बात करी वो बाहर तो आएगी. I'm sorry I made you a part of this. It's okay. वो टीम का जो लीडर है उसने तो आप उसके उसको आपको चूज करने का ऑप्शन था और उसने नहीं किया. आई नो कि नहीं किया. ठीक है, अब आप अगर उस टीम में जाते हो तो आप ही वीक लगोगे, क्योंकि बट अभी मैं इस टीम की लीडर हूँ, तो यस मैं चाहूँगी कि आप इस टीम में आए. सिद्धार्थ आपके साथ एक इक्वेशन रखते हैं जिसकी वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपकी और हमारी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स तो मैटर करते हैं, हमें जीतना है. लीडर ने आपकी बेइज्जती करी है. मेरी बेइज्जती किसी ने नहीं, मतलब इन द सेंस कि उसको मेरी, मुझे नहीं पता आपका करेक्ट मतलब. नहीं नहीं, आई टेल यू, इट वाज नॉट अ बेइज्जती, आई टेल यू उनकी हुई, इट वाज, मुझे नहीं पता उनके और आपके बीच में क्या हुआ है. इंडिविजुअल सोचिए, वी कैन गो ऑन बोर्ड, जो भी है आप मुंह पे बोलो, मुझे ये नहीं कोई फेवर चाहिए आपसे, आप बोलो कुछ, करो कुछ, और ऐसा मत करो, हमको बेवकूफ मत दिखाओ बस, ठीक है, डन, वी ऑन बोर्ड. तुझे जो ठीक लगता है करना, आई विल नॉट से कि तेरे लिए ये टीम बेटर है, तेरे लिए वो टीम बेटर है, तो जो भी टीम रहेगी तेरे को परफॉर्म करना है, तेरे को फाइन, ठीक है, बस बाकी देख ले, तू अपना डिसीजन ले. उसका प्रॉब्लम लाइफ का क्या है, शी नीड्स टू मेक हर ओन डिसीजंस, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आप उसको जबरदस्ती कैप्चर करके नहीं ला सकते हो, हम उसको यहाँ पे
वो नहीं कर सकते. अब उसको फिर से मुनव्वर के पास जाना तो वही प्रॉब्लम है उसका. वो हरदम वहाँ पर ही घूम फिर के चली जाती है तो उसका फिर कुछ कर नहीं सकते. क्योंकि पता है वैसे वो खेलता है आपके जैसे मतलब वीक स्पॉट ढूंढ लेता है. खेलता है ऐसे मतलब आप समझ लो एक बंदा जो जेल में रह के आया हुआ है रियल लाइफ जेल में उसकी मेंटालिटी वगैरह क्या होगी सर्वाइवल पे जब उसकी बात आएगी तो वो क्या क्या करेगा. अपना पंगा तो वहीं हो गया है. पायल जिद्दा नो हाउ वी प्ले दे नो हाउ वी प्ले व्हाट वी डू. हम लोग काउंट गलत बता के हम लोग टास्क में जो करते हैं तो डोंट वरी. हां आई नो यू नो व्हाई इनको अपनी रेसिपी पता है ना. दे डोंट नो हाउ वी कुक. अपन अपनी रेसिपी थोड़ी चेंज कर देंगे. हमारी टीम में हमें ब्रेक ही नहीं मिलता था. कितने टास्क में हम शुरू से एंड तक हम ही थे तो ये प्रॉब्लम है. सो नंबर मैटर्स अ लॉट. मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ये फुल क्या अलर्ट जोन में अपन लोग शो है पूरा. क्या अलर्ट जोन में भाई शो है. उसकी शक मतलब ये 10-11 लोग पूरे कंधे पे शो लेके चल रहे हैं. तो फुल एकदम ये तो देश बदलने वाली मीटिंग चल रही है भाई. आप बैठी देख कैसे लीडर कैबिनेट रेसिपी बोल के इनको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं. कैबिनेट मीटिंग देखो ना उधर. अब आएगा असली मजा. दुनिया हिल चुकी है इनकी. दूसरों को बचाएंगे या अपनी खुद की गेम को. वो सुना है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन. अब इनका कंफर्ट गया भाड़ में. द रियल अत्याचारी गेम इन माई बैड एस जेल बिगिंस नाउ.